हर संडे मैं वंश आराध्या अर्पिता संजना के नेल काटता हूँ और हम लोग अभी नहा के खाने में बनाएंगे खिचड़ी, आलू वाली खिचड़ी बनाएंगे। वंश आराध्या मोबाइल देख रहे और मैं अपना ही ब्लॉग अंजलि के मोबाइल पे देख रहा था। ये है अर्पिता के शूज़ ब्राउन कलर के, इसके आगे से ये इधर फट गए थे और हम ये बड़ी हो गई थी और हम शेव करने बैठ गए। संडे के संडे ही की जाती करते हैं हम शेव। देखो हमारे साथ वंश भी बाजार जा रहा है। हेलो, हेलो बोलो। हेलो। और हम जा रहे हैं मार्केट, मार्केट से हम लाएंगे पनीर लेके आना है और क्या लेके आना है। ये हमारा हो गया पनीर। हमारे प्याज और शिमला मिर्च फ्राई किए हुए थे और हमारी जो पनीर थी फ्राई की हुई है वो हमने डाल दी है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग सुरेंद्र लाइफ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, देखो हमारी अर्पिता राइस तलने जा रही है, राइस को फ्राई करेगी और उधर उसने टी बना दी है चाय के साथ, राइस खाने के लिए नाश्ते में बनाने जा रही है। बहुत ही अच्छी और स्वाद राइस तलती है और नाश्ता तैयार हो गया, होने जा रहा है, नाश्ता करेंगे। ओके दोस्तों, हर संडे मैं वंश आराध्या अर्पिता संजना के नेल काटता हूँ। ये कभी कभी माउथ से काटने लगते हैं इसलिए मैं इनके हर संडे काट देता हूँ। और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि हर संडे नेल काटा करिए। देखो दोस्तों हमारा नाश्ता हो गया और इधर नाश्ते में आराध्या ने पपीता खा रही है, वंश राइस ईटिंग कर रहा है और ये वंश अलग अलग नाश्ता कर रहे हैं, राइस खा रहा है। खा ले जल्दी से फिनिश कर, ये क्या खेल में बैठ गया, गाड़ी छोड़ दे, खा ले। इधर संजना आलू छील रही है। दोस्तों हम नहा चुके थे और हमने नहा के तैयार हो गए, रेडी हो गए खाना खाने के लिए। खाने में बना लिया है, खिचड़ी बनी है हमारे यहाँ। तूने नहाया, ये क्या बनाया? मैंने रोज बनाया अपने आप देख, बिना देख के रोज। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। और हमारी अर्पिता ने भी बात कर ली है, नहा चुकी है और संजना रह गई है और इधर मशीन लग गई है कपड़े धोने के लिए और अंजलि नहाने गई है और संजना ने अभी तक नहीं नहाया। वंश, वंश क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है? अच्छा दोस्तों हम खाना खा रहे हैं, खिचड़ी। आराध्या खाना नहीं खाया आपने? मम्मा तो वो बैठे बाहर, कहाँ ला रहे हैं? दीदी, दीदी मैंने क्या बोला? देखो दोस्तों वंश आराध्या मोबाइल देख रहे और मैं अपना ही ब्लॉग अंजलि के मोबाइल पे देख रहा था और अर्पिता देख रही थी तो चलो मैं भी देख लूं। दोस्तों थोड़े से हम जा रहे हैं मार्केट। एक्चुअली क्या है, इसमें है अर्पिता के शूज़ थोड़े फट गए हैं आगे पंजे से तो उसको हम सही करवाने जा रहे हैं बाज़ार जाके। देखते हैं मोची बैठे होंगे, आज है तो संडे पर अगर मिल जाएँ तो ठीक है। शूज सही करवाने आ गए हैं मोची के पास बाजार में,
ये है ओवरब्रिज और यहाँ पर हम आया मोची के पास। ये है अर्पिता के शूज़ ब्राउन कलर के, इसके आगे से ये इधर फट गए थे और हम यहाँ से ये है शूज। दोस्तों शूज़ हो गए सही, 30 रुपये में सही हो गए, चलो बढ़िया है। अब नेक्स्ट ईयर उसे नए लेके देने पड़ेंगे। अब थोड़ा मार्केट जाके थोड़ा देखते हैं कुछ सामान, कोई नहीं तो फ्रूट वगैरह लेते हैं, चलते हैं घर। फ्रेंड्स शूज़ हम सही करा ले आए और मार्केट से हमें कुछ मिला नहीं तो हम लेके नहीं आ पाए, ना ही वीडियो शूट कर पाए। हम आ गए घर, ले शूज सही हो गए। दीदी की वीडियो देखना है, वो आशीर्वाद दे रहा है डमरी। खड़ी करके वीडियो बनानी थी तो डमरी खड़ी, देखो ये वाली मैंने खड़ी करके जो शॉर्ट वीडियो थी, कौन सी बनी मैंने खड़ी करके। अब मार्केट बंद हो गई, बैग खत्म हो गए थे, बैग नहीं ला पाया मैं खड़ी करके। मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना सारी वीडियो, इतनी सारी है वीडियोस, मजा आया बहुत, मजा आया। ये वाली इसकी जरूर डालनी, इसकी वाली ठीक है, मजा आ गया बहुत। क्या हो गया, तू क्यों रो रहा है? दोस्तों शेव बड़ी हो गई थी और हम शेव करने बैठ गए, संडे के संडे ही की जाती, करते हैं हम शेव, शेव कर लें और फिर बाज़ार जाना है। भाई आज एक दिन में 3-3 बार बाज़ार जाना हो गया, बहुत भाई घर में आराम ही नहीं कर पाए। दोस्तों हमारा पूरा मोबाइल वीडियो शूट करते करते पूरा मोबाइल भर गया, 100% स्टोरेज पूरी फुल हो गई, मोबाइल कहीं हैंग ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना जाए ना आ जाए, और हम और वीडियो भी नहीं शूट कर सकते थे, इसीलिए मैंने अपना मोबाइल का जो भी डाटा था, जो भी वीडियो थी, अपने पीसी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इस डाटा केबल के जरिए, और सारा डाटा मेरा पीसी में ट्रांसफ़र हो रहा है और सारा रख रहे हैं। अब देखते हैं और कितना टाइम लगे, अभी भी सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र हुआ है। हाँ नहीं लेंगे, आजा आजा आजा, हम जा रहे हैं बाजार वंश के साथ, वंश हमारे साथ बाजार जा रहा है। वंश उई देखे 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 भी गिर जाते, आ जाओ चलते हैं बाजार। वंश कहाँ जा रहे हैं? मिठाई और रसगुल्ले लेना। फ्रेंड्स देखो हमारे साथ वंश भी बाजार जा रहा है। हेलो हेलो बोलो। हेलो, और हम जा रहे हैं मार्केट, मार्केट से हम लाएंगे पनीर लेके आना है, और हाँ। क्या लेके आना है? और टमाटर और मिठाई मिठाई और रसगुल्ला रसगुल्ला हाँ। मिठाई और रसगुल्ला लेके आना है। देखो रोड, मोबाइल में देखो रोड सड़क, दोस्तों अब हम आ गए बाजार सब्जी लेने। पनीर की रेट अभी वही रेट 70 60 70 70 ऐ कर निपट गया। हाँ हाँ ओ एक दा रह गया, तेरे डैडी दा रह गया, हुन वो चल रहा है। दोस्तों हमने एक पनीर ले लिया है, वंश ये हमारा हो गया पनीर, दो पीस करिए वंश, लो वन पीस खा लो। ये रही अपनी बाइक बेटा, चलो 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 इधर आओ, इसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, गिराना नहीं, इधर फिंगर डालो इसमें एंड डालो ऐसे, हैं 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 ट्रेन।
ट्रेन, ट्रेन क्या क्या करेगा ट्रेन देख के? अब घर चलते हैं। अभी हम आए हैं मिठाई की दुकान पे और हमने ली है रसबरी, आधा किलो रसबरी। वंश इधर आओ, इधर जाना नहीं। हमारी संजना ने कहा था एक प्रिंटर आउटर निकल ले आने के लिए, लेकिन मैडमों की इतनी गंदी आते हैं कि संडे के दिन शाम को भेज रही है कि इसका प्रिंट आउट लेके ऑब्जेक्शन टाइप क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब ये बताओ, संडे के दिन मार्केट 3 बजे बंद हो जाती है सारी, और 5 बजे वो भेज रहे हैं प्रिंट आउट के लिए, तो कहाँ से वो निकलेगा? मैं और वंश बाज़ार आए, हमने सब्जी ले ली और प्रिंट आउट की दुकानें सारी बंद हैं, फोटो स्टेट की दुकानें सारी बंद हैं। अब हम जा रहे हैं घर। वंश घर चलें ना? घर चलते हैं? नहीं। आप शूट करोगे? नहीं। अब हम आ गए थे घर वंश के साथ। क्या खा रहे थे? खाए क्या कर रहे? चीज खाई थी ना वंश। आज हमारे यहाँ बनने जा रहा है कढ़ाई पनीर, और कढ़ाई पनीर के लिए शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, लहसुन, सब चीज़ ये फ्राई की जाएगी और सब्जी को, हाँ हमने गरम मसाले भी और जो भी धनिया वगैरह ये चीज़ हमने ये भी भूंज लिया है, ड्राई भूंजा है। और इधर हमारा पनीर फ्राई हो रहा है और इसके बाद ये सब मटेरियल को फ्राई किया जाएगा। फ्राई करने के बाद जो ओनियन होगा, जो टमाटर होगा, उसको ग्राइंडर मिक्सी या ग्राइंडर से पीस लिया जाएगा, फिर उसको कढ़ाई पनीर बनाया जाएगा। यहाँ पर हमने पनीर और ओनियन और ये शिमला मिर्च फ्राई कर ली है, और हमने जो मसाला था खड़ा मसाला वो हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पीसा है। यहाँ पर हम कुछ और प्याज और लहसुन को फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद इन प्याज और लहसुन को हम सेम मिक्सी में डाल के हम उसको पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, और टमाटर और ग्रेवी बन जाएगी, जिससे जो ग्रेवी गाढ़ी सी हो जाएगी, अच्छा खाने में अच्छा टेस्ट आता है। हमने जो भी मटेरियल प्याज लहसुन हरी मिर्च को फ्राई किया था, उसको हमने मिक्सी में डाल के अभी हम इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, जिससे कि ग्रेवी जो बनेगी वो एक तो गाढ़ी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। हमारा तकरीबन मटेरियल तैयार है, बस कढ़ाई पनीर बनने की तैयारी हो रही है और स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, पीस कर पूरा प्याज लहसुन सब बिल्कुल बारीक, बहुत ही बढ़िया बारीक पीस गया है, और इधर गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और बिल्कुल तेल गरम हो गया है। अब इसमें पीसा हुआ मटेरियल डाल दिया जाएगा। अब इसको धीरे धीरे धीमी आंच में पकाते रहेंगे। उसके बाद जो भी हमारे जो घर के मसाले हैं, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, इसमें थोड़ थोड़ जो मात्रा में डाल दिए जाते हैं। साथ में ही जो हमने खड़े मसाले भूंज कर और उसे पीसे थे बारीक, वो भी हम डाल देंगे, जिससे कि टेस्ट आ जाएगा कढ़ाई पनीर में। फिर हम इसको धीमी आंच में पूरे मटेरियल को हल्की आंच में भून कर फ्राई कर लेंगे। स्वाद के लिए हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है।
दोस्तों हमें हमने इसमें जो भी हमारे प्याज और शिमला मिर्च फ्राई किए हुए थे और हमारी जो पनीर थी फ्राई की हुई है वो हमने डाल दी है। इसको हम एक या दो मिनट के लिए गर्म करेंगे। बस दोस्तों हम ये कढ़ाई पनीर हमारी तैयार है, हो गया। बोलो बोलो, आप ही बोलो। चलो हो गई। मिठाई रसगुल्ला लाए और मटर लाए। अच्छा और ले जाना और सब्जी ऐसे करते दोस्तों। वंश बोलो, सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल। बोलो बोलो ऐसे करके पकड़ के बोलो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। देखो दोस्तों हरे के टाइम तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हम सुबह से सो जाएंगे और रोटी खा लेंगे और खाना खा लेंगे और मिठाई और रसगुल्ला खाते हैं और मटर खाते हैं। गाइस लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको कमेंट में जरूर बताइए कौन कौन ये खाता है। कढ़ाई पनीर। खाना बन गया है, लेकिन हमारी सबसे पहले हमारी आराध्या और वंश खाना खाएंगे। हमारी आराध्या और वंश खाना खा रहे हैं और इनके खाने के बाद जब तक सारी चपातियां बन जाएंगी और फिर हम लोग खाएंगे खाना। हमारी कढ़ाई पनीर तैयार हो गई है। ये है हमारी कढ़ाई पनीर, कढ़ाई हुई। देखने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा लाजीज। ठीक है दोस्तों, हम खाना खाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया था, खाना खा के हम अपने अपने बिस्तरों में हो गए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। और हम इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय।